नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों। तो आज हम रामगढ़ से थोड़ा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शॉपिंग क्या, राशन पानी लेने जा रहे हैं। तो अब कहाँ जाना है हम लोग दोस्तों? जा रहे हैं शीतला, जो कि मुक्तेश्वर के बहुत ही पास है। वहाँ कपिल ट्रेडर नाम से एक शॉप है, बहुत काफ़ी बड़ा स्टोर है, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं और वहीं से हम हर बार राशन खरीदते हैं। तो आज यहाँ ख़त्म हो गया, कभी देहरादून का राशन ख़त्म हो जाता है, कभी यहाँ का ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता, पता नहीं, कन्फ्यूजन रहता है कई बार कि कौन सी चीज़ कहाँ की ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों आज चल रहे हैं, चलिए आपको घुमाते हैं शीतला। थोड़ा एक दो काम भी है, वो भी निपटा लेंगे, वो भी निपटाते हुए आएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। निकी वो अपना काम करिए लैपटॉप पे है। और भी निकू कैसे हो? चलो ठीक हो। तो दोस्तों हमेशा की तरह सामने खुला आसमान, बहुत ही सुंदर खेती, ये आड़ू के पेड़ बगीचा, और सामने आपको देखें वो दिखाई दे रहे हैं माल्टे के पेड़ बहुत सारे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर रास्ते में। ये नेचर फील होम स्टे का कॉटेज, उनकी खेती। दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं नथुआ खान से पहले, और अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर आगे। हम हमेशा यहाँ से निकलते हैं तो बड़ी सुंदर लगता है, जंगल हैं, खेत हैं। कुछ चारों की मम्मी ने बोला कि भाई कभी यहाँ भी दिखाओ अपने दर्शकों को, कुछ बोलेंगी। तो ये पहाड़ का जो जंगल है ये भी बहुत अच्छा लगता है आते जाते हुए, और सामने जो खेत हैं वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। दिखाओ खेत, वो भी आपको दिखाते हैं नज़ारे यहाँ के, बहुत ही सुंदर जंगल है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं खूबसूरत, जनवरी का एंड चल रहा है और मैदानी क्षेत्रों में जैसे कि हम लोग बताते हैं अभी आए थे, वहाँ बहुत कोहरा है, यहाँ एकदम चटक धूप निकली है। और ये सामने बहुत ही सुंदर नज़ारे पहाड़ी खेतों के, शायद मटर की खेती लगी है इनमें, और आलू भी बोया जा रहा है आजकल, आलू लगा है। और सामने बहुत ही सुंदर सा एक घर दिखता है, शांत वादियाँ। नजारे हैं दिखाने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं कैमरा लेके आप लोगों को दिखाने के लिए, बहुत ही खूबसूरत। और ये बांझ के जंगल हैं दोस्तों, जहां बांझ होता है वहां पानी की कोई कमी नहीं होती, ऐसा कहते हैं लोग, बताते हैं। और जहां चीड़ होता है वहां पानी की शॉर्टेज होती है हमेशा। तो पूरा एरिया बांझ से भरा पड़ा है। कुछ कह रही थी चारों की मम्मी, जंगली जानवरों का एरिया भी है ये, तो काकर जिसे बोलते हैं हिरन टाइप होता है, और भालू वगैरह, और बाघ तो खैर है ही यहाँ पे, और सुअर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जंगली सुअर वही तो खेती को नष्ट करते हैं। यहाँ नदी भी जा रही है ना, तो पानी वगैरह की कोई कमी तो है नहीं, उनको पानी भी चाहिए। तो जैसा कि चारों की मम्मी ने बताया कि यहाँ जंगली जानवरों की भी भरमार है, और यहाँ जंगली सुअर खूब पाए जाते हैं, तेंदुए तो यहाँ है ही, भालू भी यहाँ है। और बताना चाहूँगा कि जंगली सुअर ने तो यहाँ खेती भी बहुत परेशान कर रखा किसानों को, सारी फसल नष्ट कर जाते हैं जंगली सुअर। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने वाले हैं शीतला, बहुत ही सुंदर रास्ता, और कैमरा संभाले हैं चारों की मम्मी, कुछ बोलेंगी। शीतला भी काफ़ी सुंदर जगह है, और यहाँ होम स्टे वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ से हिमालय भी दिखता है और पहाड़ों का व्यू भी अच्छा दिखता है। लेकिन आज कोहरा हो गया थोड़ा, हल्का सा धुंध छाई हुई है आज, यहाँ भी मैदानी असर हो रहा है। तो दोस्तों ये हम लोग आ गए हैं शीतला तिराहे पर, यहीं आपको हम हमेशा दिखाते हैं। दोस्तों ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं, ये नथुआ खान मल्ला होते भवाली चली जाती है, और जो ऊपर की रोड आप देख रहे हैं ये मुक्तेश्वर, यहाँ से 9 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, पूरा जंगल का रास्ता है, यहाँ से आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं। और इधर जो खड़ी हैं सामने चारों की मम्मी, ये रास्ता जाएगा कौरव पुल होते हुए अल्मोड़ा। तो दोस्तों अभी जैसे कि हमने बताया राशन लेने जा रहे हैं आपको आज प्लॉट की तरफ, तो हम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ गए, बस देख के आ गए। और पिवड़ा में नेगी जी बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं, तो अभी मन किया कि समोसे खाए जाएं पिवड़ा में, कुछ फिर उसके बाद राशन ले, उसके बाद फिर सीधे फिर घर जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों पिवड़ा तक चलते हैं नेगी जी के समोसे खाने के लिए। चल। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब शीतला सतखोल भी बोलते हैं इस जगह को। काफ़ी सारे होम स्टे हैं और यहीं वो स्टोर है, होटल्स भी हैं। कपिल ट्रेडर्स जो आप सामने देख रहे हैं जहाँ से हम लोग राशन लेते हैं। चारों की मम्मी ने लिस्ट बना रखी है तो 15-20 दिन का टाइम बाद ले रहे हैं ना। हाँ, आज हम काफ़ी समय बाद यहाँ आए हैं और सामने देख रहे हैं आप अच्छी सी शॉप जहाँ से हमेशा राशन लेते हैं। और दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए पिवड़ा में। जैसा कि आपको शायद मालूम ना हो, यहाँ पेरूल से बिजली भी बनाई जाती है, पावर स्टेशन भी है यहाँ। और नेगी जी के समोसे खाने तो हम यहाँ आते हैं। सामने मंदिर बहुत ही खूबसूरत, कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी। तो हम लोग कभी आ ही जाते हैं यहाँ पे, छोले समोसे और बहुत फेमस है इनकी जलेबी भी अच्छी है। जलेबी बढ़िया बनाते हैं। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको नेगी जी के समोसे। सामने देख रहे हैं आप शॉप आ गई है नेगी जी की, छोटा सा एक सेटअप बना रखा है इन्होंने। दोस्तों हम पहुँच गए हैं पिवड़ा में, यहाँ नेगी जी के समोसे बहुत फेमस हैं, कई बार हम आते हैं खाने के लिए। क्या हाल है नेगी जी? बढ़िया है सर। सब बढ़िया, क्या बना रहे हैं आज? समोसे बन रहे हैं। देखिए हम बहुत सही टाइम पे आए, गरम गरम समोसे, जलेबी और चाय भी यहाँ मिलती है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अब शीतला से पिवड़ा, और यहाँ जैसे कि हमने बताया था आपको नेगी जी हैं जिनके पीछे आप शॉप देख रहे हैं। काफ़ी पुरानी शॉप है और बहुत अच्छे समोसे इनके स्पेशल कह सकते हैं। मसाला बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत अच्छी आती है। कुछ बोलेंगी भाई चारों की मम्मी? तो आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, बच्चे दिख नहीं रहे आज, काफ़ी बच्चे दिखाई देते हैं ना यहाँ पे। तो देखते हैं फिर छोले समोसे खा के, आज काफ़ी टाइम बाद खा रहे हैं हम लोग। हाँ, चारों मम्मी ने बताया स्कूल है सामने, इंटर कॉलेज है, तो जब भी हम आते हैं हमेशा भीड़ भाड़ रहती है बच्चों की भी। तो चलिए दोस्तों नेगी जी के समोसे ट्राई करते हैं। हाँ नेगी जी बन रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए चूल्हा हमारा पारंपरिक जो है, पुराने ज़माने के दर्शन यहाँ हो जाते हैं। नेगी जी गैस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं और पारंपरिक रूप से जो चूल्हे बनाए जाते थे वैसे इन्होंने बना रखा है। तो नेगी जी कितने साल हो गए आपको खिलाते हुए लोगों को? हो गए सर 15 से 18 के लगभग। 15 से 18 साल है। तो कितने बजे सुबह शुरू हो जाते हैं? 6 बजे तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन समोसा मिल पाता है 8:30। 8:30 क्योंकि 2 घंटा सुबह तैयारी में भी चाहिए। ठीक। हाँ समय लगता है जी, समय लगता है। दोस्तों हम आ गए समोसे खा के वहाँ से, और बड़े टेस्टी समोसे थे हमेशा की तरह। तुम्हें कैसे लगे? बहुत ही बढ़िया समोसे नेगी जी के, और बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि मैंने तो एक खाना था तो 2 खा लिए समोसे की जगह। इतने स्वादिष्ट समोसे बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, चाय बनाते हैं। आप भी आनंद ले सकते हैं, कभी आते हैं इधर तो जरूर आनंद लीजिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कपिल ट्रेडर्स के यहाँ शॉप में, जहाँ से हम लोग हमेशा राशन लेते हैं। घर में सब ख़त्म हो गया था तो नेगी जी के यहाँ से समोसे खा के हम लोग आ गए हैं। और अब चारों की मम्मी क्या लेंगी बताओ भाई? लेते हैं दाल और मसाले वसाले जो भी चाहिए लेते हैं, बिस्किट वगैरह और भी लेते हैं सब। तो दोस्तों स्टोर हम हमेशा दिखाते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया स्टोर है ये। आसपास कोई ऐसा स्टोर नहीं है, बहुत ही सुंदर क्वालिटी चीज़ें। रेट तो खैर कम नहीं होते लेकिन हाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। पहाड़ में इतना ही बहुत है कि सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। और चारों की मम्मी लग गई हैं राशन लेने में। तो चलिए दोस्तों हम भी राशन लेते हैं। क्या क्या ले लिया भाई? तो दोस्तों अब हमारा बिल हो रहा है। काफ़ी चीज़ें हमने ले ली है यहाँ से, बहुत दिनों बाद हम आए लेने। राशन तो हम हमेशा यहीं से लेते हैं और फिर कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, फिर अगले बार आएंगे फिर लेंगे। हाँ ये भैया हमारा बिल कर रहे हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की सभी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं और घर के पास ही पड़ता है हमारे, 7-8 किलोमीटर मान के चलिए। तो दोस्तों आज हम आए थे कपिल ट्रेडर्स में राशन लेने, कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी? और एक दो काम निपटाने के लिए आए थे और थोड़ा शीतला तक गए थे, कॉटेज पे भी गए थे, प्लॉट की तरफ भी गए थे। तो अब
सामान लेते हैं और घर चलते हैं। तो दोस्तों कुछ कहेंगे चारों की मम्मी? तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह। वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।